नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपका बड़ा सवाल है, आपकी बड़ी चिंता है शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या वास्तव में हमको पूरे पूरे 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या करना होगा, बिल्कुल विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो साथी नए होंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे की पॉइंट पर मैं आता हूँ। देखो भाई, आपको निगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा रोल अदा करता है, आप सभी साथी जान रहे हैं। अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर गलत हो जाते हैं, क्योंकि 1/4 रहता है ना भाई। अर्थात यदि आपने 20 प्रश्न गलत कर दिया तो आपके 5 नंबर गलत हो गए। एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचा है साथियों, और अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं, सभी टेस्ट में केवल नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ही आप फंसते आ रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक दलदल की तरह होता है जिसमें हर कोई फंस जाता है। तो आखिर आपको इस नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है, तो मैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बता रहा हूँ साथियों। सबसे पहली बात, अति आत्मविश्वास कभी न रखें। यदि आपने अति आत्मविश्वास रखा कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप निगेटिव के दलदल में फंसोगे। हमेशा याद रखना, यदि आपने यही सोचा कि आपको सब कुछ आता है तो आप गलत हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कोई 100% नहीं कर सकता, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात करूं, माइनस मार्क की मैं बात करूं, उस स्थिति में तो कभी आप अति आत्मविश्वास की स्थिति में ना जाएं। विश्वास का अभाव भी आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसको ले तो रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास भी नहीं होता स्वयं पर कि मैं जो उत्तर ले रहा हूँ वो सही होगा या नहीं होगा। तो विश्वास का अभाव भी आपको आपके लक्ष्य से दूर लेके जाता है। तो ये दो चीज़ों से बचना आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो अति आत्मविश्वास से बचिए और विश्वास के अभाव से बचिए, क्योंकि साथियों जिंदगी हमेशा बैलेंस से चलती है और आपको बैलेंस बना के चलना है। हड़बड़ी में पेपर गलत हो जाता है भाई, आप उतावलापन नहीं करना है। जैसे ही आपको OMR शीट मिलता है तो आप क्या करते हो, समय हुआ नहीं, आप लकर धकर करने लगते हो, खोलने लगते हो, है ना भाई। तो हड़बड़ी में पेपर आपको नहीं खोलना है, उतावलापन में बिल्कुल आपको पेपर नहीं खोलना है। शांत और आराम से पेपर खोलें, पेपर में रोल नंबर भरें, साथ ही साथ आप जो है अपने OMR शीट को बिल्कुल सावधानी से भरें, क्योंकि यही आपका लास्ट है। OMR के बाद में आपके किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं होता भाई। तो याद रखें, आप अपना जो भी डिटेल्स भरते हैं सावधानी से भरें, रोल नंबर को सावधानी से भरें, अपना नाम, और जब गोला लगाते हो, मेंशन करते हो, तो सभी चीज़ों को आराम से करें। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है साथियों, ठीक है। अब आप बारी आती है आप प्रश्नों को हल करने की। तो अक्सर जानते हैं भाई, जिंदगी की शुरुआत हमेशा अपनों से होती है, तो आपको भी वही ट्रिक अपनाना है। आप सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो आपके अपने हैं। यहाँ आपके अपने से तात्पर्य है जिनको आप जानते हो, जो आपके हैं, जिनका उत्तर आपको पता है। हमेशा पहले शुरुआत अपनों से करना चाहिए। अगर आप अपनों से करोगे तो इस प्रश्न पर तो आप पूरी तरीके से सेव हो जाओगे, ठीक है भाई। तो जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आता है, पहले आप उन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये शिक्षण शास्त्र है और आपको तर्क करना है, आपको एनालिसिस करना होता है,
तो आप उसके बाद उन प्रश्नों को करें जिस पर तर्क किया जाता है, वितर्क किया जाता है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न समय ज़्यादा लेते हैं साथियों। ठीक है भाई, तो तर्क से संबंधित, तर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न को उसके बाद में करें। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे बचेंगे जो संदेह की स्थिति में होगी, दैट मीन जिसका उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप सोच लें भाई कि इनका उत्तर आपको देना है या नहीं देना है। और यही जो संदेहात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर बिल्कुल भी आपको नहीं पता, यही आपको असफलता की ओर ले जाएगी। तो इनका उत्तर देने से पहले आप भली प्रकार से सोच लें, समझ लें कि वास्तव में इसका उत्तर यही होगा, उसके बाद ही आप उत्तर दें, अदरवाइज आप उत्तर देने से बचें। क्योंकि इस बार की जो परीक्षा होने वाली है, जो 150 मार्क्स की होगी प्रतिवर्ष की भांति, तो इस बार बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा साथियों। इस बार के पेपर में 100+ हजारों के उत्तर आ सकते हैं, 100+ हजारों के नंबर आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। सबके पढ़ाई दमदार तरीके से हुई है और सब बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, तो आपको बेहतर से भी बेहतर, दैट मीन्स आपको बेहतरीन बनना है। और बेहतरीन बनने के लिए आपको जितनी भी मैं स्टेप्स दे रहा हूँ, आप उन तमाम स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। यही आशा, यही शुभकामना है साथियों कि आपकी परीक्षा अच्छे से जाएगी। आप हमेशा हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। तार्किक तरीके से सोचने का प्रयास करें, क्योंकि ये शिक्षण शास्त्र है भाई, चिंतन से हल निकलता है। चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिन प्रश्न के उत्तर आपको बिल्कुल भी पता नहीं, जैसे इंग्लिश में मान लो कुछ भी ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जिनके उत्तर बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसे प्रश्न को ना करें। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जीके के क्वेश्चन जिनको आपको बिल्कुल भी पता नहीं, यदि आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं, तो आप निगेटिव की दलदल में फंस सकते हो। तो आपको हर छोटी मोटी बातें ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग है। यहाँ हर एक पॉइंट में सैकड़ों साथी होते हैं, हर एक पॉइंट में हजारों साथी आपको मिलेंगे, और सबसे आपको आगे आना है। तो आपको हार्ड वर्क पर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है साथियों, यही आशा, यही शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।